Hello friends, myself Dr. Sushila Saini, gynecologist and obstetrician, director Jaipur Durbin Hospital, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि यदि आपने कहीं अपना पीरियड तो मिस नहीं कर दिया है और ये कहीं आपके लिए चिंता का विषय बन गया है, ये खुशी का विषय है, ये तो आप ही हमें बताएंगे कि आप क्या चाहती हैं। हम बात करेंगे कि अगर आपने पीरियड मिस किया है तो आगे क्या करें। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपने अपना पीरियड मिस किया है तो सबसे पहले किए जाने वाला टेस्ट है प्रेगनेंसी टेस्ट, यानी कि यूरिन में किए जाने वाला यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, यूपीटी टेस्ट जिसे बोला जाता है, कि जो प्रेगा किट से किया जाता है। कई तरह के किट्स मार्केट में अवेलेबल है जिसे आप अपने घर पे आराम से कर सकती हैं। और जब आपको उसमें इस तरीके की दो लाइनें दिखती हैं, दैट मींस कि आप प्रेग्नेंट हैं, यानी कि आपको प्रेगनेंसी है, आपके पेट में एक बच्चा पलना शुरू हो गया है, तो अब समय आ गया है कि आप अपनी प्रेगनेंसी के 9 महीने एंजॉय करने की प्लानिंग कर लें। और ये 9 महीने सेफ और सुरक्षित कैसे निकलेंगे और कैसे आप एक सुरक्षित और सेफ तरीके से अपने बच्चे को जन्म दे पाएंगी, तब आपको बहुत सी चीजें अभी डिसाइड करनी होंगी, बहुत सी चीजों की प्लानिंग करनी होगी। और इस वीडियो में हम आपको आगे यही बताने जा रहे हैं कि अपने 9 महीनों की प्रेगनेंसी की आप प्लानिंग कैसे करें। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या चाहती हैं। आप ये प्रेगनेंसी कैरी ऑन करना चाहती हैं और यू वांट टू अबॉर्ट इट और यू डोंट वांट टू कैरी ऑन इट। इट हैज टू बी डिसाइडेड, ये आपके परिवार में आपके पार्टनर के साथ मिलकर डिसाइड होना चाहिए कि आप क्या चाहती हैं। तो अब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप इस प्रेगनेंसी को कैरी ऑन कर रही हैं, तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि ये 9 महीने की जर्नी आप हमारे साथ कंप्लीट करें। जैसे ही आपको पता चल गया है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से जाके एक बार अवश्य मिलिए, वो आपको बताएंगे कि अब आगे क्या करना है। इसमें सबसे पहले आपके कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप, सीबीसी, थायराइड टेस्ट, टीएसएच टेस्ट और एक वीडीआरएल टेस्ट। ये बेसिक टेस्ट है जिसे अपने को अभी इसी वक्त कराना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपका थायराइड का लेवल जरा सा भी ऊपर नीचे है तो ये आपके बच्चे की मंद बुद्धि का कारण हो सकता है। सोच सकते हैं आप कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है एक थायराइड के लेवल के कारण। तो हम चाहेंगे ये टेस्ट आप जैसे ही आपको प्रेगनेंसी का पता चले आप तुरंत करवा लें। तो अब समय आ गया है कि आप अपनी प्रेगनेंसी के 9 महीने एंजॉय करने की प्लानिंग कर लें और ये 9 महीने सेफ और सुरक्षित कैसे निकलेंगे और कैसे आप एक सुरक्षित और सेफ तरीके से अपने बच्चे को जन्म दे पाएंगी, तब आपको बहुत सी चीजें अभी डिसाइड करनी होंगी, बहुत सी चीजों की प्लानिंग करनी होगी। और इस वीडियो में हम आपको आगे यही बताने जा रहे हैं कि अपने 9 महीनों की प्रेगनेंसी की आप प्लानिंग कैसे करें। हम एक विशेष बात पर आपका ध्यान देना चाहेंगे कि टीएसएच का लेवल प्रेगनेंसी में 2.5 लिया जाता है। जनरली एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि 5 तक नॉर्मल माना जाता है, बट ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये 2.5 के नीचे लिया जाता है। तो अगर आपका थायराइड का लेवल, टीएसएच का लेवल 2.5 के ऊपर आ रहा है, तो आपको तुरंत थायराइड की गोली शुरू करनी होती है। और ये बहुत ही जरूरी गोली है आपके बच्चे के विकास के लिए, दिमागी विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए। तो इस टेस्ट को कराने में बिल्कुल भी देरी ना करें। साथ ही एक सोनोग्राफी कराना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है शुरू के महीने में, क्योंकि जनरली ये बिलीफ है सब जगह कि पहली सोनोग्राफी 3 महीने के बाद की जाती है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप शुरू में सोनोग्राफी कराते हैं तो आपको 2 या 3 फायदे हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर ही है, क्योंकि आपने सुना होगा कई बार कि बच्चा बच्चेदानी में ना लगे, बगल में ट्यूब्स में या ओवरी में या पेट में कहीं लग गया है, और इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसका टाइम रहते इलाज कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। शुरू की है सोनोग्राफी आपको इस बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकती है, आपको जल्दी डायग्नोसिस दे सकती है और आप उसका जल्दी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। हमारी ये रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे ही आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है अपना थायराइड का टेस्ट और एक अपने सोनोग्राफी जरूर जरूर करवा लें। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे ही आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है, फोलिक एसिड वाली पीली गोली बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है आपके बच्चे के सही विकास के लिए, क्योंकि आपने हमारे पहले वीडियो में भी देखा होगा, इस वीडियो में हम फिर से आपको बताते हैं कि अगर फोलिक एसिड नहीं लेते हैं, फोलिक एसिड की कमी के कारण इस तरीके के बच्चे पैदा हो सकते हैं जिसमें आप देख रहे हैं, इसमें बच्चे का सिर नहीं बना है, इस फोटो में आप देख रहे हैं कि बच्चे के पीछे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम चल रही है, और बच्चे में कई तरीके की जन्मजात खराबियां और हो सकती है, बनावटी खराबी हो सकती है, इसलिए फोलिक एसिड की गोली का लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जनरली आमतौर पर हमारी ये सलाह होती है कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो 1 से 2 महीने पहले ही उसे शुरू कर दें, बट अगर आपकी प्रेगनेंसी अनप्लान्ड है और भगवान ने ये खुशी आपको बिना मांगे ही दे दी है,
फिर भी आप जितना जल्दी हो सके फोलिक एसिड शुरू कर दीजिए। तो इस तरीके से आपने जान लिया इस वीडियो में कि सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है थायराइड का टेस्ट, फिर सोनोग्राफी और एक फोलिक एसिड की पीली गोली बहुत ज्यादा जरूरी है। और आगे के वीडियोस में हम आपको बताने वाले हैं कि आगे की 9 महीने प्रेगनेंसी के कैसे कैरी ऑन किया जाए, उनमें क्या क्या अपने को देखभाल के लिए स्टेप्स उठाने हैं, क्या आपको सावधानियां बरतनी, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे आपको सोना है, कैसे आपको और कई सारे प्रिकॉशंस रखने हैं जिससे कि आप एक स्वस्थ सुंदर बच्चे को जन्म दे सके। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपसे जल्द मिलेंगे, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर।